व्हाट्स अप? अरे यार, ये व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ और ये बता कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म ये तो मालूम है, लेकिन अब ये जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? देखिए, जब जुडिशरी अपने डोमेन एंड बाउंड्री से बियॉन्ड जाकर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जैसे ऑर्गन्स के फंक्शंस में इंटरफेयर करती है तो इसे जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के हर एक ऑर्गन्स के पावर एंड अथॉरिटी दोनों को सेपरेट करा गया है, इसीलिए जुडिशियल ओवररीच को डेमोक्रेसी में अनडिजायरेबल माना जाता है। इससे लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है, आपको याद होगा कि अभी कुछ साल पहले ही जॉली LLB 2 एक मूवी रिलीज हुई थी जिस पर एक रिट पिटीशन डाली गई थी और ये एलिगेशन लगाया गया था कि ये मूवी सोसाइटी में लीगल प्रोफेशन को एज अ फन सिंबलाइज कर रही है, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिसके रिपोर्ट के बाद इस मूवी के 4 सीन्स को हटा दिया गया था। एंड सेकेंड रिसेंट एग्जाम्पल है रोड सेफ्टी के बारे में, जिसमें एक PIL डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आए रेस्टोरेंट, बार एंड रिटेल शॉप्स पर लीकर के सेल पर बैन लगा दिया था। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। देखिए, नो डाउट्स कि जुडिशियल ओवररीच गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, इवन ये फंडामेंटल राइट्स को भी इन्फ्रिंज होने से बचाता है। बट इसके बावजूद इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को ट्रेसपास करता है। तो आपको क्या लगता है कि जुडिशियल ओवररीच सही है या फिर पावर का मिसयूज? कमेंट करके बताना ज़रूर।